सालिह के आले मोहम्मद फरमाने सलवात पढ़ो ताकि तुहाडे जिस्म च तहारत आए निजासत दूर हो जाए। बनियान दी इस मजलिस दी कबूलियत वास्ते दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते मिलके बाबा जी बुलंद सलवात दुआएं जरूरी इमाम जमान अलैहि सलाम अल्लाहुम्मा वलीकन हुज्जात इब्न हसन मसरे सखा वजूद है हजूर का वजूद इस रियाज़ो हस्तूद की बहार और शबा खल्क में इमाम ज़माना दे इस्तगासे भी चार सतरन जगह में पढ़ी है। ओ इमाम मशरिक़ैन हुज्जतुल फ़िरदौसैन गुल गुल सलवात सलाम
गुफ्तार के काबिल हो जाए, हम जिक्र अली के उम्दा तर किरदार के काबिल हो जाए। ये अश्क नहीं आँखों का वज़ू जिसे अक्सर इसलिए करते हैं, सरकार मोहम्मद मादी के दीदार के काबिल हो जा। जो बंदा पहले मेलो बीता है परेशान होंगे, अल्लाह करे की करेगा। जो मैं पढ़ के टुर जाना बदगुमान हो जाता हुसैन हुसैन वादिन जरा जात बदले बात बदले औकात बदले। जब तलाब की तलवार आबदार चले तो क्यों ना लश्कर ताबूत खा के हसन के चांद इमामे जमान गुजारिश है, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार। खुदा का नूर जब दुनिया में जाहिर होगा वो लम्हा भी कितना ताहिर होगा, खून की नदियाँ जाएगी बातिल की, अली का लाल है ज़ुल्फ़कार का माहिर। अरबी की रोशनी तू है, अक्से आई नए अली तू है, सारे मासूम है महकते गुलाब, सब गुलाबों की ताजगी तू है। इमामी जमाना दी जाते उसी सलवार में शहनशाह बहुत बुलंद है, बुलंद जात से बुलंद सलवार में दुआ है। बानियान फलों से तमाम खर्च अखराजात लगा नियाज बादशाह नाम बादशाह मोहम्मद बिन खसूस नाज़िम आलमीन हुज्जतुल्लाह बकीयतुल्लाह फिरदौसुल अकबर अपनी बारगाह कबूल फरमाए, बानियान को इस दर्जे अज़ीम अता फरमाए, बानियान के तौफीकात दे मौला इज़ाफ़ा फरमाए। हाज़रीन मजालिस जो जो मकासिद हाजात लेके आए हो अमराज़ी बिस्मिल्लाह तुहाडे मकासिद आज तक पूरे फरमाए, बे औलादा नूं औलाद मिले, बीमारा नूं शफा मिले, बे रिज़्क़ को मौला रिज़्क़ अता फरमाए, नौजवान जिहड़े पढ़ाई कर रहे मौला उन्हां नूं कामयाबी दे। जिवें लाइक सलवात दिन बाहर छोड़ा है उच्ची सलवात शेर शाह नूं लग गई, जिहड़ा बंदा चाहुंदा कि सारा साल तंदुरुस्त रहा अपनी तंदुरुस्ती वास्ते ज़ाहिरी बातें ये बीमारियों तो बचन वास्ते सलवात उची पड़े बाबा जगला बड़ी मेहरबानी बड़ी नवाजिश ए अफजल भाई का हुक्म है मैं हाजिर होया, मेरा पहला चांस ही तुहाडे कोल इस इलाके च, मेहरबानी है भैन ते भरा दी हुसैन अजीम ही पौगे, मैं कला नहीं आलमीन पता नहीं किथे किथे किवें किवें सरकार का जिक्र होगा। फिर मेरा तो घराना है जाकर जवाब नबी बख्श हो या मेरे दादा सन, उन्हें भतीजा दसिया सर जो मेरे दादा सन, मैं पोतरा वा जी जी जवार नबी बख्श हो या दादा सन मेरे, मतलब जाकरी घर है साडा और मेरे बुजुर्ग मतलब अठ दस बारह चौदह पुश्तों ने जाकरी दिया, और उन्हें जाकरी इस वास्ते नहीं दौलत शोहरत वास्ते, ना ही मैं दौलत शोहरत वास्ते की जाकरी, वरना मैंने 22 साल हो गए हैं तो इलाके मेरा पहला चांस
क्योंकि हुसैन नूं मैं शोहरत वास्ते नहीं मन्या ना दौलत वास्ते मन्या। तेरी बात दाद दी जिदा मैनू निका वेख रहे हो इवें तुसीं सारे मैनू दाद देनी। कभी ये सोच के नहीं मैं मिंबर तक खड़ोता कि मैं दाद लैनी ही भैन ही हुसैन की मूँह वड्डी करीमी हूँ करीमी तुसीं आप वेख सो ये लचपाली उस पाक मौसमां दी। एक किताब बीबी का मैं तुम सुनूंगा। बीबी ने कतराए खूने जबीन से शक्ल यजीदियत को बद शक्ल कर दिया। वो हाथ रस्सियों में पाबंद थे मगर कातिल के घर में जाके उसे कत्ल कर दिया। क्या बात, असल च तौहीद फतह हुई है शाम दे विच और करबला च तौहीद दी लड़ाई अल्लाह दी लड़ाई। गर न खून से सिप्त मुस्तफा लिखते तो हर्फ ला इला हर एक दिल से मिट गया होता। शहीद हक की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह पयाम कर वो बला ला इलाहा इल्लल्लाह। यौर बात कटी गर्दने बहादुर की जहां में बच तो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। कलूए सब्र पे खंजर चला सितमगर का लहू में डूब गया ला इलाहा इल्लल्लाह। और यजीद है किसी सांबरी का सांप अगर यजीद है किसी सांबरी का सांप अगर हुसैनियत का असा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियत का असा ला इलाहा इल्लल्लाह। दयार मस्जिद नबी दयार नो के सिना जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और दया ने दीन पे जालिम का शर्मनाक सितम हुसैन पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। शहीद हक की सदा ला इलाहा एक सलवात साहिब के बाद खुशी सलवात बाबा जबरदस्त सुना। तुहाडे चो कुछ बंदिया बाबा जी ने सुने जी चलो तुम बाबा जी का खुतबा सुना दे। आऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रा मांग रहीम। ऊंची सलावत साहिब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया जी। सलावत पढ़ो बात मुस्तफा दी रात को वाले तैयबीन ताहरीन अल्मासूमीन वकाल फी जाने सलाम वला मन कान नबियम वादम बेर मातीन
नारे हैदरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन दीना इल्लल्लाह इस्लाम सलावत साहिब बाबा जी बुलंद सलावत ऊंची सलावत बड़ी मेहरबानी। मैं थोड़ा सारे में बड़ा मशहूर हाँ कि तुम मेरी हौसला अफजाई की हमरा जी बिस्मिल्लाह तो आबाद शांत रखी कितना टाइम है आ गया नहीं अमराज बिस्मिल्लाह तो आबाद शाद रखे फिर जिंदगी मौका होया तो तवील मजलस में चूंकि मैं लाहौर पढ़ना सी टाइम से दौड़ता सी मैं पहुँचना अल्लाह ने इस आलमी उत्ते 15 कुरान भेजे 14 वजूदी सूरत एक कलाम की सूरत इस कुरान का मैं जिक्र करने लगा उस कुरान का नाम हसन है हसन और कुरान हुसैन तो लेके माती तक जिस कुरान की तिलावत करे उस कुरान का नाम हसन है। चूंकि हुसैन बादशाह का वो जिक्र हो चुके हैं मैं चाहना कि मैं हुसैन के रहबर का जिक्र करा जो है चूंकि मैं उर्दू का शायर हम 92 में लिखना शुरू किया और उर्दू नाल मैंने प्यार है तो मैं हुसैन के बावजूद खरोता बावजूद पे नमाज बड़ी थी छोड़कर मजलिस जो पढ़ते रहे नमाज ऐसे नमाजियों से कज़ा हो गए हुसैन थोड़ा जागो ताकि मिलके हुसैन बादशाह ने बड़े बिरा का जिक्र सुनाइए पर हर हुसैनी के वाजे में हसन ने कोई तबाह के जिक्र बोलना रमजान में दो कुरान नाजिल हुए एक रसूल ते नाजिल हुए दूसरा बतूल ते नाजिल हुए महीना एक है इस एक महीने दो कुरान नाजिल हुए एक रसूल थे दूसरा बोलो तो सही भी पाक ते नाजिल 21वें नाजिल हो अगर इजाजत दो तो 6-17 नहीं मेरिया ही नहीं मैं ये काम कभी नहीं किया भी किसी का कलाम आखना मेरा नहीं कलाम शायर का असस होती जिंदगी होती उसकी मेहनत होती खून इच्छी कर रही तो मैं मेरे खोलो कि आखना कलाम किसी का भी आखना मेरा ये अच्छा गल नहीं मैं अच्छा नहीं समझ एक सलवात पढ़ो हसन भी तबाद इजाद उच्ची सलवात पढ़ना सारे बाबा जो बंदा चाहता है मैं बे औलाद बीमार हाँ कोई भी हाजत है अपनी दिल च रख छोली फैला के मैं हसन मुजतबा का सदका मंग हुसैन को हुसैन तो कभी किसी को खाली नहीं बुलाया तेन खाली बुलाया पहली सत्तर फिरा दी मोहब्बत दी पहला जाम है जेड़ा मैं जनाब भी आना हूं तो अभी पूरे पाकिस्तान में जाने जिंदगी पोलियो के खिलाफ हुसैन ही कतरे तैयार किए जेड़े प्याने इतने मुबद्दत का जाम तुम्हें प्यावना है तवज्जो है ना पहला जाम इलहाम की ज़िया से तखैल के नूर से सजने लगी जमीन पे एक बज़्म पुर अमन रौनक अली के घर की बढ़ाने के वास्ते आने लगे जमीन पे शहजादे हसन सहरा के घर में आज है बरसात नूर की पढ़ लो दरूद सारे खड़ी है वरूद की शाह नातिक कुरान नाजिल हुआ वालमीन का खालिक सकनाने सलावात नु हुक्म दे के आखरे आकाश माँ के सारे हिजाबों को खोल कर मंजर दिखाओ आज हसन के नजूल का आकाश माँ के सारे हिजाबों को खोल कर मंजर दिखाओ आज हसन
حسن کے نزول کا خالق نشاد ہو گئے یہ جبریل سے کہا ہے فاطمہ کی گود میں بچپن رسول کا تھوڑا جا جاگو تھوڑا جا جاگو مل کے مل کے اے دری جاگنا اینج نہ حسن سنو اینج سرکار حسن نہیں یار اگر اینج سننا تو میں اگر پڑھتا ہی حسن مجتبا دا ذکر ہر حسینی دے واجب مل کے اے دری اگر اینج دا تسی کتاب پہلے زندگی دے وچ سنیا ہوئے پھر جو یہ نہ اللہ بولو اور اگر مودت حسن دا ایسا کتا تسی زندگی نے سنے ہو پھر ہر زبان دے واجب میرے نال بولنا میں نو داد نہیں لیکن بولنا واجب بن گیا تہاڈے تے اگر ایسا کتا تسی زندگی سنے ہے پھر نہیں بولنا اگر نہیں سنے پھر جو یہ حق ہے او دے نال بولو حسن مجتبا دنیا تے آئے محمد دا پہلا پتر تمام کمی نبی اکٹھے یوسف بھی آئے نال زلیخا بھی آئے زلیخا جی میرا یوسف بڑا خوبصورت میرا یوسف بڑا حسین میرے یوسف ورگا کوئی نہیں میرے یوسف دا ثانی کوئی نہیں ایک جملے سننے کمی ہے حسنین نے درزی ہے حسنین نے آکے کھپ نہ پا رولا نہ پا پہلے میرے سردار نوے واتا کہ تیرا سردار سنے کہ میرا سردار زلیخا کہیں واپس ولی ہے حیرانے پریشانے جبریلا کے حیرانے کیا دکھتا ہی آدھی ہے انما کا جھولا ردائے بطول میں قدر کرو یار قدر کرو یار حد ہو گئی یار قدر کرو نہیں 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 مل گئے حیدری مل گئے چلو میں اٹھانا نہیں میں تسی جتھے بیٹھے ہو سونے لگ رہے میں تانوں اٹھانا نہیں نہ تانوں تھکانا ہے میں نہیں اچھے بندے تانوں اٹھا اٹھ کے مطلب اٹھ کے وڈا ہی نعرہ لگ جانا نعرہ نعرہ جیویں بھی لاؤ نعرہ ہے انما کا جھولا ردائے بطول میں لپٹا ہوا حسن ہے یا قرآن غلاف میں یار کو قدر تو نہیں کی تھی یار انما کا جھولا ردائے بطول میں لپٹا ہوا حسن ہے یا قرآن خلاف میں اے ابھی اتنا حسی حسن ہے کہ جھولے کے ارد گرد دیکھی ہے میں نے صورت یوسف طواف میں ذکر ہے شروع تو آخر تائیں تو انو حسین کو خیرات نہیں چاہی دی حت بلند کر کے حیدری ان جو بھی تسی لا پروائی پی تھی بے پروائی کی تھی جو بھی کیتا ہے چنگا کیتا نے میں نے نکاح ویک کے لیکن مل گئے حیدری خیر ہوئے خیر ہوئے مل گئے تو انو چودہ خیر ہوئے مل گئے چودہ دی عظمت دا واسطہ ہے نیاز حسین میری پوری نظم تو چھوڑ لئی کوئی گل نہیں میں ڈسارڈ نہیں ہوا میں دکھ ہوئی لیکن اس کی تد غور کرنا جبریلا کیا ہونا تیرا یوسف سونا ہے آنکھ سونا ہے آنکھ سونا ہے اب یہ نہیں 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 اس کا ویو بیان کر وجہ کس وجہ تو اگے ادیا یوسف سونا ہے ہونا دی نہیں نہیں اس کا ہاں ہاں اس کا وجہ ادی کہنے لگی زلیخا تقابل فضول ہے یوسف کا حسن ہی نہیں کہ قدموں کی دھول ہے کہنے لگی زلیخا تقابل فضول ہے یوسف کا حسن نہیں کہ قدموں کی دھول کہا پہلے تو کہتی تھی کہ تیرا یوسف خوبصورت ہے اس کی آنکھیں اس کے بال اس کے رخسار اب میرے آقا کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں اب یہ لطافت ہے لطیف جملے ہیں کہتی ہے ہونٹوں پہ جا فدا کرے فردوس کے گلاب ہونٹوں پہ جا فدا کرے فردوس کے گلاب اور جنبش کیسو سے بنے صبح و شام ہے کہتی ہے اب تک میری سمجھ میں نہ یہ بات آ سکی آنکھیں حسن کی ہیں یا کہ کوثر کے جام ہیں
नारा ना मारो सलवात पढ़ लो हसन में तुम्हारे साथ। ऊंची सलवात बाबा से बुलंद सलवात जल्दी नाल मैं जनाब नू कसीदा सुनाना चाहना। अल्लाह ने पाक नबी ने ईसाइयों नू क्रिश्चन नू पैगाम गलिया इन्हों के काले में जिदा ना है अब्दुल मसीह आके इस अपनी पूरी कौम कट्ठी की मुसलमानों के नबी मेरे मेरे पैगाम कर लिया क्या प्रोग्राम उन्हें आखिर गल सुननी चाहिए सारे इकट्ठे हो गए आ गए। अल्लाह के नबी इन्होंने बड़ा समझाया कुरान सुनाया एक गायल नहीं आखिर मालिक क्या करा फरमाया कि सामित सुनाए फिर मेरी तौहीद पांच हस्तियां निकली एक बड़ा बरीक जहा जुमला है नबी जो ऐलान किया ना मैं झूठे के मुकाबले सच्चे लै जाने एक बुढ़ा बाबा घर आया तो तीनों कह दिया पुत्र तेरा कपड़े इस्त्री कर उन्हें अब्बा जी किधर जाना उन्हें सच्चे आना अब्बा जी ताडे मुँह तो सच चुंजी चंगा नहीं लगता अब्बा जी तुम लिया चलो झूठे हो जिंदगी को झूठ छड़े नहीं तुम अज सचिया के नाम नबी पंज लैके गए हसन हुसैन हमराज बिस्मिल्ला सैयद आफ्ताब इमामत अली इब्न अबी तालिब अल्लाह पर मैं सकलाने समावात नू जमीन ते वेखो मैं सदीक हाँ मेरी सदाकत जा रही मैं शरीफ हाँ मेरी शराफत जा रही मैं अल मोमिन हाँ मेरे मोमिनीन जा रहे मैं शहीद हाँ मेरी शहादत जा रही मलाइका ने आवाज़ आई मालिक जिरी विच मस्तूर मस्तूर का तारुफ तो करा इतने बड़ा खूबसूरत किता चुके मेरा दिल कर रहा है मुसिन मैं तुम्हें सुनावा किता अल्लाह की आवाज़ आई मलाइका की आवाज़ आई मालिक मस्तूर का जी बुरके चे तारुफ करा मालिक की आवाज़ आई ये फिक्र मरियम की शाहजादी ये कुल हो अल्लाह की शाहिदा है कदर करो ना कदर करो ये फिक्र मरियम की शाहजादी मैं तुम्हें बार बार ये नहीं आखना तवज्जो करो इंज करो ओ करो तवज्जो ना ही आयो सारा कुछ जितने भी आयो हलाल ज़ादे हराम ज़ादे इतने आ ही नहीं सकता गल ज़हन च रखनी हराम ज़ादे तक की काम इतने आवन का इस दायरे चो ही आएगा जो हलाल ज़ादा है मालिक की आवाज़ है ये फिक्र मरियम की शाहजादी ये कुल हुवल्लाह की शाहिदा है खता का इम्कान नहीं है इसमें ये रोज़े अव्वल की शाहिदा है मुबाहले की सफ़ों में देखो तो हक की पहली मुजाहिदा है मैं खुद हिफाजत करूँगा इसकी ये इससे मेरा मुआहिदा है इसी के दर के कदा करूँगा मेरे फरिश्ते अदब करेंगे जो उसके घर में शरीक होगा हम उसको वक्त से तलब करेंगे इसी की तहलीज पर पहुँच कर नबी इजाज़त तलब करेंगे अल्लाह याद है जो फातिमा से रखे मवद्दत जो फातिमा से रखे मवद्दत जो फातिमा से रखे मवद्दत ना उसको दोजख जला सकेगा जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सकेगा हुन तो जागो हुन तो मारो नारा एडा ढिला नारा तो चंगा नहीं मिल गए सीधा साढ़े लाहौर दे बड़े अच्छे शायर ने मास्टर मंजूर आगे साहब चूंकि मैं आप उर्दू का शायर हाँ उर्दू कसीदे लेकिन चूंकि मेरा दिल कर रहा है मैं मास्टर साहब का कसीदा मौलाना के दर्जात बुलंद फरमाए ये बिया साहब के शगिर्द है लेकिन एडा काबिल शगिर्द बिया साहब नूं जिंदगी च नहीं लगना जैसे मास्टर मंजूर आगे साहब बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने मुबाले का कसीदा लिखा उत्तो मुबद्दत दा जाम ते शार बंद पड़ के मैं जनाब को दुआ लाऊं तवज्जो है हाय भूल से चेरे साथ ले कर भूल से चेरे साथ ले कर ये 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 भूल से चेरे साथ
साथ ले कर ये फूल से चेहरे 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 साथ ले कर ये सजील से कादे सजाए फिरता है वो अपने वक्त के दीपक जलाए फिरता है हसन को देख के मोरे नबी पे कहते थे लोग रसूल अपना ही बचपन उठाए फिरता है फूल से चेहरे साथ जागो जागो मेरे जान लगना फूल से चेहरे जागो दूसरी का नारा नहीं यार मेरे के नारा सुनाओ चेहरे साथ ले कर ये फूल से 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 चेहरे साथ ले कर रसूल फूल से चेहरे साथ ले कर रसूल मैसा पढ़ पढ़ के थलो ग्राम थोड़ा या मंदिर खराब है खरज ठीक है मंदिर थोड़ा है खराब गले के त्रै खर जो मंदिर मदम तार थोड़ा या खराब है लेकिन कोई गल नहीं मजलिस पूरी होगी तब जो करना है ये फूल से खुशी से जबरील रास्ते में पैरों को अपने बिछा रहा है से चेहरे साथ ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है खुशी से जिब्रील रास्ते में परों को अपने बिछा रहा है और साउंड वाला आवाज को घटा रहा है कोई गल नहीं फिर भी जो ये आवाज लगा रहा है तो मैं शेर पढ़ता पे तब जो हाँ भाई ए पंज किवें निकले सदा अदब नू सुनिया करो हूं दौर आ गया शायरी थोड़ी कसीदे की नक मरोड़ी वाला काम चलता पे अदब सुनिया करो सदा कि तो का गिला
देखने को है ऐसा मंजर के देखने को खुदा भी पर्दे हटा रहा है। राजी हो मेरे तक नहीं हूँ बालिया कह सकते जो या सही पड़ गए ऐडी शहर हो मुबद्दत एक जाम है जरा प्याना है और यह जरा जाम है प्यारा पूरे पाकिस्तान च जाम कोई नहीं मेरे सिवा कोई नहीं नहीं ये प्याना दो कुराना का जिक्र तो जो है कुरान के रसूल तो असवार है हुसैन कुरान के रसूल तो असवार है हुसैन मुझे ना अपना प्यार है जरा अपना लफ्ज़ों नाल प्यार कर दो जागो मेरे पास से नया हुसैन जरा चाहता कुरान हुसैन मेरे तराजी हो अल्लाह की रहमत हो मेरे पास सर चाह मेरे पास हूं तेरी कदर करन दी जरूरत है रसूल तो हसवार है उसे जिक्रे सबूर तूल है कुरान है मोतबर तौरात बा असूल है कुरान है मोतबर अंजील भी कबूल है कुरान है मोतबर फरमूदा रसूल है कुरान है मोतबर कुरान क्या है शक्ल निजाम रसूल की कुरान क्या है बी बतूल की कुरान क्या है फिक्र अली के असूल की कुरान रोशनी है हसन के अकूल की कुरान बस हजूर की इतरत का नाम है कुरान मेरे हुसैन की सीरत का नाम है। नहीं 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 बैठो भाई नहीं 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 बैठो 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 मेहरबानी नहीं नहीं ऐजाद नहीं चाहिए या हुसैन कुरान एक राज है हमराज है हुसैन कुरान एक साज है दमसाज है हुसैन कुरान एक नाज है सदनाज है हुसैन कुरान एक जवाज है एजाज है हुसैन कुरान के दिफाज का एजाज भी हुसैन कुरान के जमीर की आवाज भी हुसैन कुरान दर मकबूल है मनकूल है हुसैन कुरान दर असूल है महसूल है हुसैन कुरान दर कबूल है मकबूल है हुसैन कुरान दर अकूल है माकूल है हुसैन कुरान असूल आदल है आदिल हुसैन है कुरान मेरे इल्म है साहिल हुसैन है कुरान एक तख्त है तो ताज है हुसैन कुरान एक मुल्क है तो राज है हुसैन कुरान संगबीर है मिराज है हुसैन कुरान एक तंगुश्री फुकराज है हुसैन कुरान दर वजूद तो चेहरा हुसैन है कुरान की सुबह का सवेरा हुसैन हुसैन का अंजाम ये हुआ फिरता तलाश करता है अब कुफ्र चैन को 56 बरस हुसैन ने कुरान को पढ़ा अब हश्र तक कुरान पढ़ेगा हुसैन। बड़ी मेहरबानी कसीदा सैंपल नहीं नाराए सलावत अल्लाह बड़ी मेहरबानी बस रहो सलामत रहो मैं आके मौजूदाम सादात दे उम्मत की ते तारे
से रो रो के ओ हाथ मुक गई जुलाम जी जी कुं कुछ दबियो कुं कुछ दाद था धीरे खोले अल्लाह जाने जिमें बन सुने तेरी अपनी मर्जी चार प्यो मजलूम ते कायनात मजलूम गुजरे पहला प्यो मजलूम मोहम्मद मुस्तफा जैदी आवाज आंदी मैं ओ मजलूम जैदी धी मेरे दरबार चुरोंदी ते खाली वल आई सुलेमान रो रो के आदाई जहरा नु कुर्सी ने दे दे इतना ताक मिट्टी ते बैरो मोहम्मद दी थक पियो से ए पहला प्यो आई नु दा पियाई ज दूजे प्यो दी था निकलिए आवाज आई कौन आवाज आई मैं नजफा ला लिया बेसकरा रसूल अल्लाह तुहाडी थी मजलूम है तुसा भी मजलूम हो लेकिन तुहाडी थी तुहाडे दरबार च गई आई तुहाडा शहर आई कनातां दा पर्दा आई मैं ओ मजलूम आ जेदी थी बदमाशा दे मजमे च गई है रोके आ दिए मैनू चादर दियो मैं उस माद दिया जेदा जनाजा बड़ा तैयारी बड़ा तेरे कर दिया कोई नहीं दिया ले बैठे हो यार अल्लाह भावे बसता रहे सिवाय गम में हुसैन दे कोई गम ना वेखे ए दो ही प्यो रों दे पाया अंज त्रीजे प्यो दी ठाल आवाज आई कौन है आवाज आई मैं करबला दा गरीब हुसैन नाना तो तुसी भी मजलूम हो बाबा तुसी भी मजलूम हो मैं चोखा मजलूम हाँ मेरी धी साढ़े चार साल च बुढ़ी हो गई मैं चार सत्रह इस मजलूम भी नहीं दिया पट्टिया ने तैयारी करना मनवे तो दस कदी साढ़े चार साल की बच्ची बुढ़ी हुई एडे तो प्यो तो बाद हम डिठे ना मेरी सैन जिन्हें साढ़े चार साल दिया बच्चिया मौला उन्होंने इज्जत परदा महफूज रखे सिवाय गमे हुसैन दे कोई गम ना वेखो करबला तू लैके कूफा कूफा तू लैके शाम बाबे दे गम विच रोवेया दिल को रोवेया रात को रोवेया पूरा मजमून नहीं पढ़ना सिर्फ चार सत्र बाबे दे गम विच रोवेया एक कमीने आराम ना कर सके ना एक दिन सिपाही भेजे मेरे मौला नु बुलाए सजाए बच्ची कौन है जड़ी आंदी है सैयद की आवाज आंदी है मेरी भैन ते बाबे ने गम में चरोंदी आदे चुप केवे करे सैयद की आवाज आंदी है मेरे बाबे दा सर दे सजाद वादा करे ले मेरी भैन वत न रोस हुण बाबे दा सर मिले है पुत्र सजाद होवे बाबा हुसैन होवे कट्टा होया सर होवे मिट्टी ते खून रला होवे बाबे दा सर डिठे हाथ मत तेरा क्या दे गरीब बाबा मजलूम बाबा गरीब पुत्र दा सलाम होवे हुसैन पुत्र दा जवाब दिता है बाबे दा सर लेके सिंदान चाहे हकल मार क्या दे सकीना उठ बाबा मिलने ना आई मेरी सैन उठिए बाबे दा सर ले आए रोके आ दिए रुखसार गवाह तशरीफ़ कोई ना हो जो राणा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं उनके बाद नाश्ता होता है ना ले रोड के